सईफा जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ड्रामा था लोग क्या कहेंगे, उससे याद आया मियां साहब आपके क्या हाल है? कैसा लग रहा है अब हुकूमत से बाहर हो गए? ज्यादा अच्छा लग रहा है। ज्यादा अच्छा लग रहा है ये? वैसे ज्यादा अच्छा क्यों लग रहा है? क्या इस वजह से कि फेडरल में भी हुकूमत खत्म हो गई या फेडरल वाले भी बाप कालों की स्टेज पे आ गए? अब इस मुल्क के अंदर हालात आपके सामने हैं, माशी भी और समाजी भी और सियासी भी। तो गवर्नमेंट करना आसान काम नहीं है, और ये वाली हुकूमत तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी भी नहीं, खैर एक पीडीएम की गवर्नमेंट थी, सब जमातों ने मिलकर किया था, बड़ा मुश्किल टाइम। अगर नसीर भाई ये मानते हैं ना कि ये आप चाहे कह दें कि ये हुकूमत हमारी नहीं थी और पीडीएम की थी, लेकिन जो लोग हैं वो मानते यही हैं कि आप लोगों की थी, तो हम उसे इनकार तो नहीं कर रहे, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि ये प्योरली नून लीग की गवर्नमेंट नहीं, इसमें हिस्सेदारी काफी लोगों की। पीडीएम ना बगाड़ो ना, क्योंकि इलेक्शन बाद फिर शायद उन्होंने की लोड़ पै जाए। आई गल ठीक है, नहीं बगाड़ी नहीं, नाल ही चलते पे। वजीर साहब ने साथ ही एक्सेप्ट करके उसको किया कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मगर सईफा क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब क्या हुआ? मुझे लगा है कि आप उससे फिर सवाल करेंगे, then you'll go back to them. No, no, I will not. नहीं, वो तो वैसे ही मैं वो नसीरे को तंग करता रहता हूँ। और आपने जिस तरह के कपड़े पहने अभी पता लग जाएगा, उन्हें ओवर क्राउन लग गए थे। और यार माशाल्लाह, मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है बहुत अच्छी प्लेयर लग रही है। कैसे लग सकती हूँ? पोलो शर्ट नहीं है, पैंट तो वो नहीं, जोगर नहीं। वैसे भी आप जोगर से उन्होंने कहा कि क्रिकेट की प्लेयर, बैडमिंटन की प्लेयर, माशाल्लाह स्नूकर के प्लेयर और हुकूमत घराने के प्लेयर। देखिए तो नसीर भाई कुछ भी नहीं कह रहे तुम्हें, जब से हुकूमत खत्म हुई मैंने देखा तमाम नून लीग के दोस्त ना सवाए राणा सनाउल्लाह के इतने मदम और खामोश चल रहे हैं, मगर ये जब आता है कोई ना ये इस तरह ही करता है सर। चले नहीं, अच्छा करते हैं सर। मेरे मुझे ये बताएं, वक्त आ ही गया है तो बड़ा कोई सख्त इलेक्शन ही होने वाला आप लोगों के लिए? तो अच्छा, पहली बात तो ये कि आपने अंदाजा लगाया कि वक्त आ ही गया। देखिए आइन कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है। नहीं नहीं, आइन को बिल्कुल फॉलो किया जाएगा, लेकिन हालात जो है ना उनको पहले पेशे नजर रखा जाएगा। सर आइन तो हालात से ऊपर है। 1.25 करोड़ जो वोटर है वो लापता है, तो उसको पहले सिस्टम में लेके आएंगे। सर वो 1.25 करोड़ तरीके इंसाफ का तो नहीं है जो लापता है? नहीं, जिसका भी है। अच्छा। अभी तो ये थोड़ी जाना जा सकता है किसका है किसका नहीं है, तो अभी तो ये हालात बताएंगे कि इसने किसका मुकाबला करना है, तो ये तो अभी लंबी बात है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन एज सच उतना मुश्किल हो सके जितना लोग इसको देख रहे हैं। अब असल बात ये है कि ये जब हमने गवर्नमेंट ली क्यों और इन हालात में हमें करना का पड़ा, या उससे पहले 2018 से पहले पीएमएलएन ने इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए क्या किया, तो ये चीज़ें जाके हम हल्कों में इस पर बात करेंगे। लोग बात समझते हैं, ऐसा मसला नहीं इंशाल्लाह। वैसे सईफा मैं देख रहा हूँ आप बड़े गौर से उनकी बात सुन रही हैं, आपका कोई पॉलिटिक्स में कभी इंटरेस्ट रहा है? नहीं, नॉट रियली। मेरी मदर इन लॉ बहुत फॉलो करती हैं। अच्छा, उनका तो वो है कि आईपैड पे भी एक चैनल होता है, फोन पे एक चैनल होता है और टीवी पे एक चैनल होता है। मियां साहब, आपको लगता है कि इस वक्त आवाम में जो एक मुश्किल है, मुश्किल और गुस्सा ज्यादा है? जी जी, मुश्किल इलेक्शन है, महंगाई है, उसमें अभी पेट्रोल की प्राइस हाइक्स हैं और डॉलर है और काफी चीजें हैं जो हमें जाके इलेक्शन आसान नहीं है। अजीत ज्यादा से जाके लोग कहते ना तुम नसीर साहब नहीं जी, मैं तो छोटा भरा हूँ। अभी ये नौबत नहीं, अभी ये नौबत नहीं आई, अभी नौबत नहीं आई। हालात यकीनन मुश्किल हैं, मसाइल हैं, बेरोजगारी के इश्यूज हैं और भी चीज़ें हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम पूरी तरह मैदान में हैं और नजर भी आएंगे। इतनी आसान चीज़ नहीं है जो तसव्वुर की जा रही है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आपका हल्का तो वैसे ही बड़ा एक मुश्किल सा है अब थोड़ा सा आपके लिए, क्योंकि अर्बन बिल्कुल हल्का है आपका। लेकिन मैं आपको अच्छे से बात बताऊँ, मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान की आवाम ठीक है, अगर आप उनके साथ ठीक बात करें, लॉजिक के साथ बात करें, बतौर उम्मीदवार लोग कंपेरिजन करते हैं, लोगों को समझाई जाए तो लोग समझते हैं, ऐसा मसला नहीं है। हाँ, कभी कभार लोग हमारे चंद लीडरों की मतलब बातों में भी आ जाते हैं और उसका नुकसान फिर इस मुल्क को उठाना पड़ता है, बट हम अपने हलकों में जब लोगों के पास जाते हैं तो लोगों को लोग बात समझते हैं, ऐसा मसला नहीं है। नसीर साहब, लेकिन बड़ा सख्त जे तुसी वोट मंगन ते आना जाना। पिछले हफ्ते वोट मंगन गए थे, बंदे कहते असी वोट नहीं देने, कहते मैं वोट की खातर आए ने, मेरे मुंडे की सालगिरह तुसी उत्थे होना। वैसे सईफा, आपके फैमिली में कोई और भी है इस फील्ड के अंदर? नहीं, कोई नहीं रहा? बिल्कुल भी नहीं। तो आप तो खुद गालिबन इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी? जी बिल्कुल। तो ये आपको ख्याल कहाँ से आया ये वाला कि ये मॉडलिंग एक्टिंग वगैरह? वैसे भाई आई थिंक कुछ चीज़ें होती हैं वो शायद आपके नसीब में होती हैं, और इफ दे आर मेंट टू बी तो फिर दे आर मेंट टू बी, और इट हैपेंड। मतलब मेरी फैमिली में कोई दूर दूर तक नहीं है, एंड आई कम फ्रॉम अ पठान बैकग्राउंड, और हमारी फैमिली में पढ़ाई की फुल इजाज़त है, जहाँ तक पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट ऑब्वियसली हमारी इंडस्ट्री को थोड़ा दूसरे तरह से देखा जाता है,
सो थे थोड़े से वो इश्यूज थे बट दे वर रिजॉल्वड। और कितना इजाजत है पढ़ाई की फैमिली में, जितना पढ़ लो? सर चीन तक जा सकते हैं। अमीर लोग ना, साडे खानदान दे छेवीं जमात क्लास कर ली, मुंडा हुण काम ते जाया करेगा। आपने बताया यू आर फ्रॉम अ पठान बैकग्राउंड। या आई एम। तो आप पश्तो भी बोल समझ लेती हैं? बिल्कुल, मेरी दोनों फैमिलीज, लाइक मेरी अम्मा और अब्बा की दोनों साइड प्रॉपर पश्तो स्पीकिंग। पश्तो में ये क्या कहते हैं कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पश्तो में कैसे कहेंगे? तम तरेशा लागे। थैंक यू वेरी मच। मुझे पता था। आई न्यू इट। जी सर, मैं ये काफी नून लीग के दोस्तों से आजकल पूछ रहा हूँ कि हमजा शहबाज साहब कहाँ होते हैं, हरी होते हैं, नजर क्यों नहीं आते? वो इतना अरसा हो गया, देखा ही नहीं, एक बार सिर्फ बीच में उनको देखा था बस, वो क्यों नहीं नजर आते अब इतना वाम में? मिलने का इश्तियाक है या उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज की बात? सर मुझे दोनों का इश्तियाक है। वो भी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, टाइम आएगा तो नजर आएंगे। ये टाइम कौन सा है जिसका इंतजार कर रहे हैं? साल बाद। ते रेस्ट क्यों कर रहे हैं? उन्होंने डबल सेंचुरी की थी। रेस्ट नहीं कर रहे, वो अपना उधर मेन ऑफिस में बैठ के मुलाकातें करते हैं। अच्छा, मगर आप कह रहे हैं साल बाद नजर आएंगे। जिस हवाले से आप बात करना चाह रहे हैं वो फील्ड में आएंगे अभी कुछ 6 महीने। नहीं, मगर इसके दरमियान में तो इलेक्शन हो जाने हैं 3-4 महीने बाद, तो वो क्या होगा फिर? वो नहीं होगा। तुसी को इलेक्शन तो नहीं लड़ना? नहीं, मगर टिकट दो तो लड़ांगा ना मैं। जो तुसी इलेक्शन दा कहनो ते हासा निकल जांदा। हां, वैसे मैं नोट कर रहा हूं कि आप ये कुछ, आपको लग नहीं रहा, आपको लगता है कोई आपने साल वाली बात की है, कोई क्या साल बाद इलेक्शन? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कोई ऐसी पेशी कर रहा, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ जो हालात हैं उनके, अगर उनको देखा जाए, मतलब इलेक्शन कमीशन की तैयारियां हैं, मुल्क के जो हालात हैं, तो मेरा ख्याल है कुछ 6-7 महीने लग जाएंगे। 6-7 ख्याल है, गलत हो सकता है, गलत हो सकता है, मगर हमजा साहब जो है वो साल बाद ही नजर आएंगे। नहीं, अभी कर रहे हैं वो अपना काम, पॉलिटिकल मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, जो जितनी उनकी जिम्मेदारी है वो उतनी कर रहे हैं, मतलब। लेकिन मेरे ख्याल में आप चूंकि मीडिया के हवाले से देखना चाह रहे हैं कि मीडिया में देखना चाह रहा हूँ, उतने एक्टिव नहीं है अभी, उतने एक्टिव नहीं है, ये आप ठीक कह रहे हैं। करो क्यों नहीं यार, कार इलेक्ट्रिशियन का काम हो रहा है। ये उनमें ज्यादा नहीं दस सकेंगे, वो खुद ही बताएंगे, लेकिन बजाहिर खुद कहाँ बताएंगे, ना वो हमें नजर आते हैं ना वो हमारे पास आते हैं, हम पूछें हम किससे पूछें? आप जो बाकी नजर आ रहे हैं उनसे गुजारा कर ले। हमने पूछा राणा मशहूर से ही पूछा, उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे आ जाएंगे वो। नहीं, मैं कह रहा हूँ उनकी जो कमी जहाँ आपको महसूस हो रही है उनकी जगह लोग काम काफी कर रहे हैं, तो आप उनसे गुजारा कर ले। यानी कि जो लोग उनकी जगह इस वक्त काम कर रहे हैं उनसे गुजारा कर ले। जी अच्छा, तो जब उनकी जिम्मेदारी आएगी, उनका टाइम आएगा, जो उन्होंने ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, तब वो नजर आएंगे आपको। नसीर साहब मिलन कैसे हमजा साहब? इन्हों की गड्डी खराब हुई, हमजा साहब प्यार कर दे, इन्होंने कहते जा शेर से छड़ आओ, बाहर जड़े नहीं लकड़ के लगे घर के बाहर। मुझे सही में मुझे ये बताएं कि आपने मॉडलिंग शुरू की और उसके बाद आप एक्टिंग की तरफ भी आई, एंड देन यू बैक्ड आउट ऑफ एक्टिंग। या व्हाई इज दैट? दैट वाज मेनली बिकॉज़ ऑफ द स्क्रिप्ट्स। मुझे थोड़ा सा बस लगा नहीं कि वो स्क्रिप्ट्स ऐसी हैं जिन्हें मुझे करना चाहिए। कुछ बहुत टिपिकल स्टोरीज थी और मुझे लगता था कि वो बेहतर होनी चाहिए। मैंने कुछ अपनी रिसर्च भी की, मुझे लगा शायद मैं गलत हूँ, और फिर मैंने बैक इन लाइक लेट 80s और अर्ली 90s के कुछ प्रोजेक्ट्स देखे जो बहुत प्यारे लिखे हुए थे, एंड आई वाज जस्ट वेटिंग कि वो वापस आए उस तरह की कोई चीज़, बट वो नेवर केम माय वे, और वही वेट में मेरे को 3 साल हो गए हैं। कोई ऐसा ड्रामा आपकी ज़िंदगी में कि आपने किया और बाद में देख के आपने कहा यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसा कोई है? मैं बिल्कुल भी पब्लिकली नहीं बोलना चाहूँगी। मेरा नंबर ले ले, मुझे व्हाट्सअप कर दे।